गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सबका। बच्चों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि मेरी आशा के अनुरूप आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और वैसे ही आपकी तैयारी चल भी रही होगी और चीजें अब व्यवस्थित रूप से लग भी रहा होगा कि अब चीजें तैयार हैं। कॉन्फिडेंस थोड़ा थोड़ा आने लग गया होगा, है ना कन्हैया? अविरल कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ अविरल। कन्हैया सुप्रभात। मानवेंद्र गुड मॉर्निंग। आयुष गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। आइए, नमस्कार है। मैं ठीक हूं, अपना सुनाए आप लोग। आशा करता हूं कि ये सवाल तो बड़ा आसान है और आप लोग बहुत आसानी से इसका जवाब दे देंगे, है ना? बहुत आसानी से इसका जवाब देंगे। संतोष ट्रॉफी 2023 का फाइनल किस देश के में आयोजित किया गया? संतोष ट्रॉफी की अगर हम बात करते हैं बच्चों, देखिएगा ये फुटबॉल का एक बहुत प्राचीन टूर्नामेंट है। चलें भाई देखना, फुटबॉल फुटबॉल का टूर्नामेंट टूर्नामेंट 1941 में इसकी शुरुआत हुई। देखें इसका आयोजन रियाद में किया गया। देखना, पहली बार मेघालय इस प्रतियोगिता में जीता। यहाँ एक पॉइंट और अगर आप लोग कर लें, है ना? हाँ, अगर एक पॉइंट और आप लोग कर लें तो बड़ा आसान हो जाएगा चीजें। देखना, इसमें भारत के राज्य क्षेत्रीय संगठन एवं विभाग हिस्सा लेते हैं। 2023 में इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इसका आयोजन हुआ है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इसका आयोजन हुआ संतोष ट्रॉफी का। सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अच्छी बात है, करते रहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना? मैं तो यही कहूंगा कि सबको करना चाहिए, ठीक है ना? चलें भाई आगे चलते हैं। एक और सवाल देखिएगा। हाल ही में चर्चा में रही शैलजा धामी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखना, लद्दाख में इनकी नियुक्ति। देखना, इन्होंने एक हेलीकॉप्टर पायलट के रूप में कमीशन लिया था भारतीय वायुसेना के अधिकारी हैं। बच्चों है ना, क्या होगा? डी अमित शाक के एयरफोर्स से रिलेटेड है। हाँ, भारतीय वायुसेना से संबंधित है, याद रखेंगे शैलजा धामी, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला बेंबू क्रैश बैरियर लगाया गया? इसका पहले मतलब समझ लें, है ना? अगर आप लोगों ने कभी, है ना, हाँ उत्तराखंड की है, बिल्कुल सही बात। अरे धामी वहीं होते। देखें बच्चों, अगर आपने कभी देखा हो, खासकर पहाड़ी इलाकों में, अगर आप लोग कभी सड़क के किनारे देखें तो सड़क के किनारे कुछ इस प्रकार से रेलिंग बनी होती है, कुछ इस प्रकार से रेलिंग बनी होती है। खासकर आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाएं तो पहाड़ी क्षेत्रों में आपको दिखने को मिलेगा, पहाड़ी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर
पहले ये किसके बनाए जाते थे? पहले ऐसे ये पत्थर के बने होते थे बच्चों, ये किसके बने होते थे? कुछ इस प्रकार से बीच में छोटा थोड़ा गैप होता था, छोटा छोटा गैप, और ये पत्थर के बने होते थे, पत्थर के। लेकिन अब वर्तमान में अगर आप देखने जाएंगे उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश या अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में, तो वर्तमान में आपको ये लोहे के बने दिखाई देते हैं, लोहे के बने, और इसमें अब गैप नहीं होता है। इसमें पहले गैप होता था, अब इसमें गैप नहीं होता। कुछ इस प्रकार से ये सड़क सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, सड़क सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं। पहली बार ये देखा गया कि बंबू अर्थात बांस का प्रयोग करके इसका निर्माण किया जा रहा है, इसका निर्माण किया जा रहा है, इसका निर्माण किया जा रहा है। पहली बार इसका निर्माण कहां पर बेटा? महाराष्ट्र में किया गया। सड़क के किनारे बांस की घेराबंदी करना, बिल्कुल से रोड के किनारे डिवाइडर उत्कर्ष, ये कैसा है ना, ये कैसा मतलब हुआ? डिवाइडर का मतलब होता है बांटने वाला, जो रोड के बीचों बीच होगा उसे डिवाइडर कहेंगे। डिवाइडर का मतलब डिवाइड करने वाला, डिवाइडर है ना, जो एक इधर लेन होती है एक इधर लेन होती है। सड़क के किनारे कौन सा डिवाइडर होगा आप खुद सोचिए। हाँ, ऑल द बेस्ट अमित, बहुत बढ़िया है ना। हाँ चले, तो क्या होगा इसका आंसर? महाराष्ट्र डिवाइडर। ऐसी बातें आप लोग करते हैं, ऐसी बातें कि क्या ही बताऊं, है ना, क्या ही बताऊं। ठीक है, चलें भाई चलें। नेक्स्ट, अगला सवाल है, अगला सवाल देखिएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास है ना, फ्रिंजेक्स 23 गुवाहाटी में आयोजित किया जाएगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स भारत व फ्रांस के मध्य, भारत तथा फ्रांस के मध्य आयोजित किया जाएगा। यह पहली बार है जब भारत व फ्रांस की सेनाएं अभ्यास का आयोजन कर रही हैं। भारत और फ्रांस की सेनाएं आपस में इसका आयोजन कर रही हैं। भारत व फ्रांस के मध्य अन्य सैन्य संयुक्त अभ्यासों में वरुण और गरुण शक्ति शामिल है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है या सत्य है, क्या बताना है बच्चों? हाँ, कौन सा कथन असत्य है? हाँ, असत्य कथन की पहचान करनी है, असत्य कथन की पहचान करनी है। जल्दी से देखकर बताएं ताकि कोई रोड के बाहर ना जा सके। हाँ उत्कर्ष, यही तो मैं भी कहना चाह रहा था। ठीक है ना, चलें भाई चलें। इस सवाल का जल्दी से आंसर दें सब लोग। कहाँ पर? समझा नहीं पाया, बाकी मुझे पता था। हाँ बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, यही तो होता है। आइंस्टाइन कहता है कि वो व्यक्ति जो दूसरों को नहीं समझा सकता, इसका मतलब है कि वो खुद नहीं समझा। दीपक वर्मा, दे दिया बेटा पीडीएफ का 500 पीडीएफ का आंसर दे दिया है ना, अभी थोड़ी देर बाद अपलोड हो जाएगा आपके टेलीग्राम पर, दे दिया है ना। जैसे ही आ जाएंगे, वो स्टाफ आ जाएगा, वैसे ही अपलोड हो जाएगा टेलीग्राम पर, आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है ना। चले, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, मैंने आप लोगों को पढ़ाते समय बताया है कि जहां पर पहली ऐसे शब्द जहां पर लग जाए उसको उत्तर प्रदेश के द्वारा जो कमीशन है उत्तर प्रदेश में, गजब का लगाव है उत्तर प्रदेश को, है ना, गजब का लगाव है। अगर आप फ्रांस के साथ देखते आते हैं तो फ्रांस के साथ ऑलरेडी हमारे युद्ध अभ्यास चल रहे हैं जिसमें वरुण शक्ति और गरुण शक्ति पहले से ही शामिल है। एक विकसित राष्ट्र है, बीटो पावर कंट्री है, है ना, जिसके साथ अभी हमने एक विमान भी लिया था, आप लोगों को याद होगा तो, लड़ाकू विमान, है ना। संयुक्त सैन्य अभ्यास पहली बार इसका आयोजन किया जा रहा है, जिसको आप लोग देखेंगे तिरुवनंतपुरम कहाँ है? ये केरला में। बात इसका मतलब हो गया कि ये गलत हो गया, गुवाहाटी में इसका आयोजन किया नहीं गया है, है ना, गुवाहाटी में। देखें बच्चों, ये भारत और फ्रांस के मध्य आयोजित किया जाएगा। यह पहली बार है, बार बार कह रहा हूं, यह पहली बार है जब भारत व फ्रांस की सेनाएं अभ्यास का आयोजन करेंगी, अर्थात 2023 में इसके आयोजन की शुरुआत की गई है। 2023 में इसके आयोजन की शुरुआत हुई है, पहली बार इसका आयोजन किया गया है। पहला गलत है बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला सवाल देखिएगा।
हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में सोने के भंडार होने की पुष्टि की है? सोने के भंडार होने की पुष्टि की है, पता होगा आप लोगों को कि जम्मू कश्मीर अभी चर्चा में रहा था। जम्मू कश्मीर में क्या मिला था बेटा? जम्मू कश्मीर में क्या मिला जिसके कारण ये चर्चा में रहा था जम्मू कश्मीर? ऐसे ही भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार पृथ्वी के आंतरिक भूभागों में पाए जाने वाले खनिजों का शोध किया जाता है। इसमें आप लोग देखेंगे उड़ीसा के 3 क्षेत्रों की पुष्टि की गई है, जिसके माध्यम से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर सोने के भंडार हैं। वैसे अगर हम प्राचीन काल से देखते हैं भारत में, तो आपको दिखाई देगा कि दक्षिण भारत सोने के लिए जाना जाता है, सोना उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहीं पर आप लोग ये भी देख लें कि भारत सोने का एक बड़ा उपभोक्ता है। पहला गोल्ड एटीएम कहाँ लगाया गया, जल्दी से भाई, अगर किसी को याद हो तो कोई बताएगा? हाँ, रेदा डिस्ट्रिक्ट में लिथियम मिला था। यस, लिथियम याद होगा आप लोगों को। पहला गोल्ड एटीएम कहाँ पर लगाया गया, जहां पर प्रतिदिन के रेट के हिसाब से अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड से आप चाहें तो सोना खरीद सकते हैं। ऐसा एटीएम कहां पर लगाया गया, पहला गोल्ड एटीएम? हाँ, अभिषेक बेटा कहां पर लगाया गया, जल्दी से बताओ। पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद में लगाया गया क्या, जल्दी से बताएं भाई, पहला गोल्ड एटीएम कहां लगाया गया? चले हैदराबाद, यस, गोल्ड एटीएम, जो प्रतिदिन के रेट के आधार पर सोने के सिक्के आदि वहां से आप परचेज कर सकते हैं, सोने के सिक्के। नेक्स्ट है डिलीट ऑल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर द जेंडर इक्वालिटी वर्ष 2023 में यह किस दिवस की थीम है? बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न होगा बच्चों, देखना। एक ऐसा दिवस जिसकी मनाने की शुरुआत 1911 में की गई, 1911 में इसके मनाने की शुरुआत की गई, मनाने की शुरुआत की गई, शुरुआत की गई, की गई। कल की न्यूज आप लोगों ने देखा होगा, है ना, जिन बच्चों का पेपर होगा। निशु बेटा गुड मॉर्निंग, बहुत लेट कर दिया आपने, 6 क्वेश्चन निकल गए। सुनो ध्यान से, सुनना, 14 मई को जो पीसीएस का पेपर देने वाले बच्चे हैं उनको मैं बता दूं, स्पष्ट कर दूं, पेपर बेटा तुम्हारा 14 मई को ही होने की लगभग संपूर्ण संभावना है कि 14 मई को ही पेपर होगा। अब यहाँ पर कई बच्चों के दिमाग में होगा सर डर लग रहा है ना बेटा, ये सबको है, नैसर्गिक प्रक्रिया है, सबको लगता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, अपने ईस्ट पर जिस भी देवी देवता को मानते हैं, जिस भी धर्म, जिस भी रिलीजन को मानते हैं, उसमें थोड़ा सा भरोसा रखिए और इत्मीनान से तैयारी करते रहिए। आप लोग कहेंगे तैयारी अच्छी है, बस ये है कि अपने आप पर भरोसा रखना जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला हित की बात करना और उनसे संबंधित हितों को रखना अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है बेटा? 8 मार्च को मनाते हैं क्या? कब मनाते हैं महिला दिवस? हाँ, मेरा पेपर SSC MTS का आफ्ताब, बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है ना। हाँ, सर और टीचर पर भी होना चाहिए बेटा, टीचर तो अपना 100% देता ही है, कौन सा ऐसा टीचर होगा जो ये नहीं चाहेगा कि उसके विद्यार्थी इस बार जरूर सफल हो, हैं?
अब तो खूब अच्छे से पेपर देना बेटा, इतने अच्छे से पेपर देना कि इस बार तुम्हें लगे, है ना, हाँ इस बार तुम्हें लगे कि वो सपना हकीकत बन जाए जो अब तक सपना था, है ना। चलें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है, सही है ना, हाँ 8 मार्च को मनाते हैं, सही है। नेक्स्ट, ये बेटा बड़ा बढ़िया सवाल है, देखो भाई, पूसा कृषि विज्ञान मेला 2023 का शुभारंभ किसके द्वारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया, ये भारतीय केंद्रीय कृषि मंत्री के द्वारा इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कृषि तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी विकास के लिए इसका आयोजन किया गया। कौन है इस समय हमारे कृषि मंत्री, कौन है कृषि मंत्री, हाँ, गैस लीक हुई थी जिसमें 11 या 15 की मौत हुई थी, कहाँ से कौन सी जगह है आचार्य जी, बेटा मुझे बिल्कुल नहीं पता, गैस लीक हुई थी कोई, हाँ गैस लीक हुई थी, मुझे तो यार आइडिया नहीं है, अगर किसी को हो बच्चे तो बताना, एक बढ़िया सवाल है बच्चे का, इसका नाम लिखा करो यार, तुम लोग नाम नहीं लिखते हो, पता नहीं है ना क्या है। अभिषेक बिल्कुल सही बात है, तोमर ने किया था, नरेंद्र सिंह तोमर। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाते हैं, जल्दी से बताएंगे, 8वें सवाल की तरफ चलें भाई, कब मनाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, चलें। लुधियाना में हुई थी, गोरखपुर में हुई थी, ओके सही है, हाँ देखना बच्चों देखना, जीरो हार्म थीम के साथ 4 मार्च 2023 को यह दिवस मनाया गया। इस दिवस का उद्देश्य, अब कहेंगे आपके गुरुजी सुरक्षा मतलब क्या, सड़क सुरक्षा, वायुयान से सुरक्षा, किससे सुरक्षा, कुल मिलाकर राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी चाहे सड़क दुर्घटनाएं हो, चाहे वायुयान दुर्घटनाएं हो, या पुलिस द्वारा प्रताड़ित किए जाने का मामला हो, या किसी अन्य तरीके का जोखिम हो, किसी भी तरीके से जहां पर जान माल को खतरा, उन चुनौतियों से लड़ने का प्रयास सरकार द्वारा किया जा रहा है। 4 मार्च की बात करते हैं, 4 मार्च 2023 को यह दिवस मनाया गया, 4 मार्च कुल मिलाकर। अब जो भी बचे हुए दिन है, ढूंढ ढूंढ के वो सवाल जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो सारे तुम लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है ना, कोशिश करिएगा अब तुम लोगों को दिक्कत तो ना आए, ठीक है ना। ग्रेग फुल्टन किस खेल से जुड़े हुए हैं, आंसर जल्दी से बताओ भाई, वर्तमान में इन्हें भारतीय हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है, है ना। लगभग मुझे 60 या 61 लोग देख रहे हैं इस समय, एक छोटी सी सूचना आप लोगों तक पहुंचा दूं बेटा, सुनो ध्यान से, तुम्हारे मतलब की बात है ये, है ना, 8 माह 8 महीने अपने आप को दे दो,
अपने आप को दो। दुनिया तुम्हारे, दुनिया सामने खड़ी होगी और वो करेगी जो आप चाहेंगे, जो आप चाहेंगे। मैं तुम लोगों से इसलिए ये बात बोलने को मजबूर हुआ कि कई बार ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा होता है कि तुम लोग इस चीज को नहीं समझ पाते हो। आज तुम्हें मौज मस्ती करते हुए, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजरा, आज हो सकता है आप में से कोई मुझसे उम्र में ज्यादा हो, हो सकता है, शायद हो सकता है, नहीं ज्यादातर मुझसे उम्र में छोटे हो गए आप लोग। अपना अनुभव तुमसे साझा कर रहा हूँ बच्चों, है ना। ये सुबह सुबह उठना और सुबह दुनिया भर के कंटेंट देखना, यहाँ ये मैगजीन, वहां लैपटॉप खोलना, ये वो करना, ये मैं तुम लोगों से आश्वस्त कर दूं, तुम लोगों को लगता होगा कि दुनिया में जीवन जीना आसान है। बीपीओ में जो कॉल सेंटर होता है, कॉल सेंटर में नौकरी लेने के लिए भी आपको एक इंटरव्यू देना पड़ता है, प्राइवेट सेक्टर में एक इंटरव्यू, और बदले में पता है कितना, 7700 रुपये तुम्हें पेमेंट करते हैं वो। कितनी? 7700 रुपए पेमेंट, जिसमें से जहां पर रह रहे हो तुम्हें शेयरिंग करनी पड़ेगी रूम की, जिसमें फिर भी कम से कम तुम्हारा 4000 रुपए तो सिर्फ रेंट का चला जाएगा, क्योंकि सारे के सारे बीपीओज कहाँ हैं बेटा, सारे के सारे बीपीओज आपको इंडस्ट्रियल एरिया में दिखाई देंगे, और इंडस्ट्रियल एरिया में होने का मतलब है सीधा सीधा कि वहां किराया महंगा होगा, है ना। हाँ, किराया महंगा होगा, इसका सीधा सा अर्थ है कि ज्यादातर आपकी कमाई तो यहीं चली जाएगी। किसी देखा होगा आजकल ईएमआई पे फोन लेने का, है ना, ट्रेंड चल गया है ईएमआई पे। अपने आप को जितना ज्यादा हो सकता है भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रखो। महंगा फोन अगर किसी को चलाते देखो तो अपने आप से एक कमिटमेंट करो, एक कमिटमेंट कि क्या करना है, मैं इससे महंगा फोन लूंगा, लेकिन कब, जब ये पता चल जाए कि अगली ईएमआई भरने के लिए अगर मुझे किसी ने निकाल दिया नौकरी से तो मेरी अगली ईएमआई चली जाएगी आराम से, मतलब इतनी सेविंग रहे आपके पास। समझ रहे हैं आप लोग इस बात को? प्लीज बेटा इसको समझने की कोशिश करो। और 8 माह अगर तुम सच में ईमानदारी के साथ लग के काम कर गए, नहीं किया होगा, मैंने नहीं किया होगा, क्योंकि अगर मैंने किया होता तो आज मैं यहां ना होता, मैं कहीं और होता। मैं अपना अनुभव तुमसे साझा कर रहा हूं कि 8 महीने सब कुछ भूल के वो करो जिसके लिए तुम बने हो, अगर तुम सचमुच चाहते हो कुछ करने की, नहीं बाकी जीवन तो कट ही जाएगा। 7 बजे वाली क्लास है, आओ यहाँ पर, हेलो हाय, तुम्हारा इंस्टा आईडी क्या है, ये क्या है, वो क्या है, करते कराते मान लो किसी ने इंस्टा आईडी दे भी दी, उससे बातचीत करते हुए तुम्हारा जीवन बड़े आसानी से कट जाएगा, है ना। कहा जाता है कि यदि सुबह से लेकर शाम तक आप किसी मुसीबत में ना फंसे, है ना, आपके दिमाग में आए कि क्या सोचूं, क्या करूं, कैसे करूं, इसका मतलब है कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे होंगे दिन भर में एक बार चुनौतियां आएंगे ही आएंगे आपके पास, डेफिनेटली आएंगे आपके पास चुनौतियां, ठीक है ना। हाँ, तो अपने आप को समर्पित कर दो कि मुझे साल भर, 8 महीने, साल भर किसी भी तरह से, किसी भी तरह की फालतू की गतिविधियों में नहीं जुड़ना है। मैं तुम्हें आश्वस्त कर देता हूँ बेटा, ये अपना एक फेल है ना, कहते हैं एक असफल इंसान सफलता के वो मंत्र बता सकता है जो सफल वाला व्यक्ति नहीं बता सकता। मैं तुम्हें फेल होने के कई सारे तरीके बता सकता हूँ और कई सारे कारण बता सकता हूँ कि कैसे फेल हुआ जाता है, मुझसे पूछो, क्योंकि मैंने ये किया है, मैंने वो काम किए हैं जिससे आराम से फेल हुआ जा सकता है। अब वो जानता हूं कि ये काम, ये काम, ये काम, ये काम, इससे दूर रहो, ठीक है ना। चलिए, हाँ भैया मानवेंद्री कर रहा हूं बेटा, सही कर रहा, आगे भी कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, हॉकी के नए कोच, नए कोच, कभी कभी दुखी होता है मन तो बताता हूं, मन नहीं करता सुबह उठने का, है ना। अपनी पढ़ाई करोगी, पढ़ाओ, क्या करो, कैसे करो, लेकिन है, ठीक है। आइए जल्दी से चलते हैं। देश के नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर उत्तर प्रदेश को भी जल्द ही विधान भवन की सौगात मिलेगी, जल्द ही विधान। अच्छा एक बात बताओ, एक कानपुर में एक इंजीनियरिंग कॉलेज है HBTI, किसी को याद है, किसी को याद है HBTI? नियुक्ति कौन, मुख्यमंत्री नियुक्त करता है या राष्ट्रपति? यार वो सवाल जिसको तुम लोगों ने मीम बनाया, वो गलती मेरी है बेटा, मैं पढ़ाते समय ये नहीं देख पाया था। उसमें पूछा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन है, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति कौन है, तो मुख्यमंत्री होगा ना उसमें, मुख्यमंत्री,
मैंने सवाल को पढ़ा और धीरे क्या बोल दिया कि सवाल पढ़ने के बाद राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति तो बेटा राष्ट्रपति करता है, लेकिन उसमें पूछा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन है, मतलब राज्यपाल के द्वारा चुना गया व्यक्ति कौन है, तो वो तो मुख्यमंत्री हो गया ना। आइए इस सवाल की तरफ चलते हैं। हाँ, गवर्नमेंट कॉलेज है अबिरल। हाँ, इनका नाम हर्बर्ट बटलर था। हर्बर्ट बटलर, हर्बर्ट बटलर भारतीय इतिहास में देखें बेटा तो ये उत्तर प्रदेश में गवर्नर, उत्तर प्रदेश में गवर्नर हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश में गवर्नर हुआ करते थे, और इन्हीं के द्वारा उत्तर प्रदेश का जो विधान भवन है, उत्तर प्रदेश का विधान भवन बनाया गया था, विधान भवन बनवाया गया था, जिसको अब बदलने की बात की जा रही कि 2027 तक नया विधान भवन उत्तर प्रदेश का बनवाया जाएगा, विधान भवन बनवाया जाएगा। हाँ, देश के नए संसद भवन सेंट्रल विस्ता जानते होंगे आप लोग, दिल्ली में बनवाया गया, दिल्ली में बड़ा चर्चा में रहा, खासकर अपने सिंह स्तंभ के कारण, जो सारनाथ की तरह बनाया गया है, इसके कारण बड़ा चर्चा में रहा, मिलेगी, बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश के मौजूदा विधान भवन की नींव तत्कालीन गवर्नर सर स्पेंसर हर्बर्ट बटलर ने रखी थी। हर्बर्ट बटलर, जिनके नाम पर अभी भी आप लोग देखने जाएं, जिनके नाम पर रखा गया है क्या, कानपुर का एक तकनीकी विद्यालय HBTI UPTU के अंतर्गत आता है। दोनों सही है बेटा, इसमें दोनों सही है, सी होगा, है ना। हाँ, चलें चलें भाई, आज तुम लोगों ने वीडियो को लाइक वगैरह नहीं किया, क्या दिक्कत है, आज क्या दिक्कत है भाई, लाइक वाइक कर दिया करो। देखिए बेटा, सतीश कौशिक का निधन हुआ था, आप लोग जानते होंगे, सतीश कौशिक एक फिल्म अभिनेता निर्देशक फिल्म अभिनेता निर्देशक, और कुछ फिल्मों को प्रोड्यूस भी की थी इन्होंने, है ना। वैसे सामान्य तौर पर देखा जाए तो इनको कहा जाता है कि भारत में प्रसिद्ध थिएटर एक्टर थे। इनका संबंध महेंद्रगढ़ जिले से पड़ता है। महेंद्रगढ़ जिला कहाँ पर पड़ेगा, ये महेंद्रगढ़ जिला कहाँ पर पड़ेगा बेटा, तो ये पड़ेगा आपका हरियाणा में। इनका देहांत कहां पर हुआ, तो देहांत हुआ है इनका गुरुग्राम में हुआ। ये भी हरियाणा में है बच्चे, कहां पर है, हरियाणा में इनका देहांत हुआ। इनका संबंध हरियाणा से दिखाई देता है। इनकी एक प्रसिद्ध फ्लॉप फिल्म अगर आप लोगों ने देखी होगी, क्योंकि मैं कई बार देख एक शॉर्ट देख रहा था यूट्यूब पर या कहीं, मुझे याद नहीं है, रूप की रानी चोरों का राजा, पता नहीं आप लोगों ने देखी है कि नहीं, बताए थे कि इनके जीवन की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म थी। हरियाणा से इनका संबंध है बच्चे। नेक्स्ट, बारहवां सवाल देखें। निम्नलिखित में से कौन पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर फील्ड वर्कशॉप में कमांड करने वाली, ये तो वही सवाल है जो पहले किया था हम लोगों ने, वही सवाल है ना, वर्क फील्ड शॉप करने वाली इंजीनियरिंग सर्विसेज की महिला, है ना, एयरफोर्स से जिनका संबंध है, भारतीय वायुसेना से संबंध है ना। नहीं, ये गलत हो गया, ना, ये वो नहीं, ये कर्नल गीता राणा है बेटा। ओ हो, कमाल का प्रश्न है, कमाल का हो जाता है। सर क्या गारंटी सरकारी नौकरी मिल जाएगी, कट ऑफ इतना हाई जा रहा है, वर्षा सिंह। सर क्या गारंटी है कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी, कट ऑफ इतना हाई जा रहा है, क्या ये सरकार की नियत है नौकरी देने की, SSC GD में ऐसा हुआ था। अच्छा एक बात बताओ, चलो ठीक है ना। हाँ, मैं कंफ्यूज हो गया था बेटा, बाद में अब्रैल मैंने समझ लिया कि वो दूसरा था, ये पूर्वी लद्दाख के अग्रिम मोर्चे पर वर्कफील्ड, ये कमांड करने वाली भारतीय सेना की, मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, कर्नल गीता राणा है ना। हाँ, चले, ओके, इधर समझिएगा, बस 2 मिनट का एक सवाल है इनका, ले लेता हूँ, नादान लड़का, सुन लो बेटा। अरे कर्नल की स्पेलिंग एलेक्सा ये नहीं होती, नाम एलेक्सा रख लोगे, है ना, कोलोनल होती, ये होता है कर्नल की स्पेलिंग। प्लीज प्लीज बेटा प्लीज सुनो ध्यान से।
सरकार बदलती भी है बेटा, सरकार बदलती भी है, बदलती भी है। एक बार एक राजा ने अपने एक मंत्री को कहा, सुन लो बस एक मिनट, एक बार एक राजा ने एक मंत्री को कहा, कहा कि एक ऐसी बात बोलो, एक ऐसी बात बोलो कि जिस सेंटेंस को सुनने के बाद मुझे खुशी भी हो और मुझे गम भी हो। तो उसने एक लाइन बोली थी, सुन लो बेटा वर्षा, एक लाइन बोली थी उसने, ये वक्त बदल जाएगा, बदल जाएगा। अगर आप इसे सुख में सुनते हैं, सुख में, तो आपको दुख होगा, और अगर आप इसे दुख में सुनते हैं तो आपको सुख होगा, सुख। तो बेटा मैं आप लोगों को यही बोल सकता हूं अभी कि वक्त बदल जाएगा। मैं भी निराश हूं कई जगहों पर, है ना, कई बेटा। हाँ ठीक है, ठीक है, तुम लोग कहते हो बार बार हर जगह इतिहास घुसेड़ देता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि राजा वाजा का नाम नहीं लूंगा। कर्नल गीता राणा, कंफ्यूज हो गया था मैं, सॉरी। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, हर पेमेंट डिजिटल मिशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू किया गया, खासकर ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। अगर आप देखने जाएं, जो भी पेमेंट होगी वो डिजिटल माध्यम से होगी, देखना बच्चों, डिजिटल माध्यम से होगी। दो फायदे हैं इसके, पहला फायदा अगर डिजिटल माध्यम से होगी तो उसके, हाँ तो उसके दो फायदे हैं, एक तो वित्तीय समावेशन बढ़ेगा। आप कहोगे गुरुजी ये क्या है वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, लोगों को ज्यादा से ज्यादा किसी भी बैंक या बैंक जैसी किसी संस्था के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा प्रत्येक व्यक्ति को। और दूसरी बात, काला धन की समस्या खत्म हो जाएगी, काला धन जैसी समस्याएं नहीं होंगी, ब्लैक मनी जैसी। अगर प्रत्येक पैसा किसी ना किसी वित्तीय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से होकर गुजरेगा तो सरकार की देखरेख में रहेगा, जिससे काला धन नहीं बन पाएगा। इसको करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने हर पेमेंट डिजिटल पहल का की शुरुआत की है, की शुरुआत की है, जिसके माध्यम से नजर रखी जा सके, आरबीआई, ठीक है ना, आरबीआई, आरबीआई। चले भाई नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने, कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है इसमें बेटा, हाल ही में भारत में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस स्थापित करने की सिफारिश की गई। बिग कैट अलायंस, जिसमें 6 प्रकार के जानवर, चीता, बाघ, शेर, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, स्थापित की गई। यह इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस केवल जैसा शब्द तो कहीं दिखे, दूर हो जाओ ऐसा कहोगे, बिल्कुल गलत है सरासर, भारत में चीतों की सुरक्षा एवं संरक्षण की दिशा में कार्य करेगा। जब ये सोचकर देखो, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस कुल मिलाकर इसमें बहुपक्षीय, मतलब कई देश इसमें मिलकर बहुपक्षीय देशों के द्वारा इस समूह के जीवों की सुरक्षा का प्रयास किया जा रहा है, की सुरक्षा का प्रयास किया जा रहा है। हाँ, इसमें केवल एक सही है, केवल एक सही है। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा टाइगर रिजर्व है जिसमें टाइगर नहीं रहते स्थायी रूप से, बता दो जल्दी से। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा ऐसा टाइगर रिजर्व है जिसमें स्थायी रूप से टाइगर नहीं रहते, सिर्फ आवाजाही उनकी होती है, कोई बता सकता है क्या, कोई बता सकता है? हाँ? जल्दी से बताएंगे, वो वॉन थुओंग को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया, है ना। हाँ हाँ, सर्दी हो, हाँ बेटा थोड़ी सी है सर्दी, ठीक है ना। हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर, बहुत सही कन्हैया, बहुत सही। वियतनाम के ये हाल ही में राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं, वहां की जो क्या कहते हैं उसको, निर्वाचन करने वाली एक संस्था होती है, जानते होंगे, जैसे चीन की तरह सिंगल पार्टी सिस्टम है, वियतनाम का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है वो वॉन थुओंग को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसको 2023 का प्रतिष्ठित पेन नोकोपो पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जल्दी से चलें भाई। विनोद कुमार शुक्ल को, क्या विनोद कुमार शुक्ल, ये आंसर नहीं बताना होता तुरंत। हाँ, चित्रकूट में, लखीमपुर में, हो गया, कर दिया, नाम तो देखो,
इच्छाधारी औरत। अरे पागल, इच्छाधारी औरत होती है, यही पढ़े हो तुम लोग हैं, इच्छाधारी औरत। ना ना लाइक, पढ़ने लिखने का मन ही नहीं करता तुम लोगों को, बिना मतलब का काम करते हो तुम लोग। चलें, इस सवाल का जवाब दे। चलें भाई, देख रहा है विनोद, विनोद कुमार शुक्ला जी को देखें। यह पुरस्कार अमेरिका अमेरिका देश में दिया जाता है, दिया जाता है। देखना, यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, क्षेत्र में उपलब्धि उपलब्धि के लिए दो मामले हैं। पता नहीं आप लोग इसको पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, है ना? दो मामले बेटा, अगर किसी को समय मिले तो एक बार जरूर देख लेना। दो मामले, एक ये पहलवानों से संबंधित मामला है। आज हो सकता है दोपहर में इसके विषय में आप लोगों के साथ चर्चा करूं, पहलवानों के विषय में जो उन्होंने भारतीय सरकार के ऊपर, ठीक है ना, हाँ, भारत सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं। एक पहला मामला, और दूसरा मामला आईपीएल बेटिंग है ना। आईपीएल में सट्टा, आईपीएल में सट्टा, ये दो मुद्दे हैं बड़े महत्वपूर्ण। सामान्य तौर पर अगर आप लोग देखें तो भारत में सट्टेबाजी, या जिसको अपन गैम्बलिंग कहते हैं, सट्टेबाजी या जिसको अपन गैम्बलिंग कहते हैं, गैम्बलिंग, ये लीगल नहीं है, इसको वैधानिक नहीं माना गया है, वैधानिक नहीं माना गया है। लेकिन वैधानिक ना होते हुए भी, अर्थात आईपीसी और सीआरपीसी के अनुरूप ना होते हुए, संविधान के अनुरूप ना होते हुए भी भारत में ये सट्टा बाजार बड़े पैमाने पर। तो एक दिन ये टॉपिक और एक दिन ये टॉपिक, दोनों मामले बहुत जल्द आप लोगों के समक्ष रखूंगा, ठीक है ना? देख रखूंगा बहुत जल्द ही ये मामले आप लोगों के समक्ष, ठीक है ना? चले भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए, दो स्टेटमेंट पुनः है। समुद्री अभ्यास कटलास एक्सप्रेस 2023 का आयोजन भारत व रूस के मध्य किया गया। कटलास एक्सप्रेस 2023 में भारत की ओर से आईएनएस त्रिकंद, आईएनएस त्रिकंद, ये तो बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है बेटा। कटलास एक्सप्रेस की ओर से, भारत ने की ओर से आईएनएस त्रिकंद ने हिस्सा लिया, आईएनएस त्रिकंद ने हिस्सा लिया। जल्दी से बताएं बेटा, इसमें कौन सा सही है, कौन सा सही है? चले हाँ, अनुष्का पटेल, पटेल जी की तरफ से नमस्ते। हाँ, ये सुयश त्रिपाठी की तरफ से आपको बहुत सारा आशीर्वाद बेटा। हाँ चले आगे चलते हैं। देखना, भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए भारतीय सैन्य समूह के द्वारा इसका आयोजन खासकर कोस्टल एरियाज, कोस्टल क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिए आपने फोर्स का नाम सुना होगा, कोस्ट गार्ड, नाम पता नहीं सुना है कि नहीं, जिन्हें तटरक्षक बल कहा जाता है। तटरक्षक बल मुख्य रूप से इसकी उपयोगिता इसमें दिखाई देगी। इसमें केवल दो सही है बेटा, पहला गलत है, ये रूस के साथ नहीं है। अच्छा, कोई बताएगा रूस और भारत के सहयोग से कौन सी मिसाइल बनी हुई है जो दो नदियों के नाम पर, जिसका नाम रखा गया है वांगो और ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र कौन सी मिसाइल है वो, रूस और भारत के सहयोग से, है ना? हाँ चले, कोस्ट गार्ड, चले चले भैया, ओके आगे, नेक्स्ट, अगला सवाल। रामचंद्र पौंडेल को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? हिंट के लिए जानिए, इन्होंने विद्या देवी भंडारी, देखें विद्या देवी भंडारी,
विद्या देवी भंडारी के स्थान पर, विद्या देवी भंडारी के स्थान पर इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के रूप में की गई, राष्ट्रपति के रूप में की गई। कहां पर भाई, कहां पर? विद्या देवी भंडारी कहां की राष्ट्रपति थी? नेपाल की। और नेपाल, हाँ ब्रह्मोस, बिल्कुल सही बात है, ब्रह्मोस मिसाइल बेटा, बिल्कुल सही है, ब्रह्मोस मिसाइल। अच्छा, इजराइल के और भारत के सहयोग से कौन सी मिसाइल है? इजराइल प्लस भारत। तुम्हारे यहां ये सब सवाल पूछे गए, भारत और इजराइल के सहयोग से कौन सी मिसाइल है? अगर बता ही रहे हो तो इसे, हाँ सर दीपक सर से बात हो सकती है रीजनिंग स्पेशल बैच की? हाँ बिल्कुल हो सकती है, आप संदेश दो, मैं अभी पहुंचा देता हूँ, नहीं तो आने वाले होंगे अभी 8 बजे उनकी क्लास होती है रीजनिंग की, आने वाले होंगे। हाँ कौन सा होगा बेटा, बताएं जल्दी से। प्रधानमंत्री प्रचंड, हाँ चलें फटाफट बताएं बच्चों। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंदर कहां पर बीज प्रसंस्करण व भंडारण सुविधा की शुरुआत की गई? देखना बच्चों, अगर मैं तुमसे पूछूं कि उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर, उत्तर प्रदेश में कहां पर चारागाह अनुसंधान संस्थान स्थित है, अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो आप लोग क्या जवाब दोगे? उत्तर प्रदेश के झांसी में। यहीं आप लोग देखें तो यहीं पर आपको दिखाई देगा कि बीज प्रसंस्करण भंडारण सुविधा, जहां पर बीज को प्रसंस्करण का मतलब होता है कि और उपयोगी बनाना और साथ ही साथ उसके भंडारण, जिससे कि उसके खराब होने से उसे बचाया जा सके, खराब होने से बचाने के लिए सुविधा बनाई गई है। कहां? झांसी में चारागाह अनुसंधान संस्थान कहां होगा बेटा? झांसी में होगा, ठीक है ना। हाँ चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल, 37वें 38वें राष्ट्रीय खेल क्रमशः आयोजित किए जाएंगे, 37वें और 38वें कहां पर आयोजित किए जाएंगे? 37वां तो आई थिंक कहां पर है? गोवा में। 37वां है ना, 38वां कहां है? 38वां उत्तराखंड में, सही हूं। 37वां गोवा में, 38वां कहां है बेटा? उत्तराखंड में, याद है? कहीं ऐसा तो नहीं उल्टा बता रहा हूं मैं? 37वां गोवा और 38th कहां पर? उत्तराखंड। अरे हाँ ना तो बोलो, हैं स्नेक सूंघ गया क्या तुम लोगों को सुबह सुबह? सही है कि नहीं? झांसी, हाँ बिल्कुल, गोवा यूके, ये तो तुम लोग बिल्कुल, हाँ जो कह दिया गुरु जी ने वही सही है, हैं? अरे अपना दिमाग भी कुछ लगा लिया करो। ये देखो जैसे गुजरात बताया एलेक्सा ने बताया, नहीं सर गुजरात होगा। अरे ऑप्शन हुआ तो देखा करो, गुजरात तो ऑप्शन में ही नहीं है, हाँ गुजरात तो ऑप्शन में ही नहीं है। अच्छा 36वां गुजरात में हुआ था ये बता रहे, ओके ओके ठीक है, सही है, हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। एक सवाल का और जवाब दो बस जल्दी से बेटा। सिंगापुर क्या हो गया है प्रतजर पुरस्कार के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन की यह पुरस्कार चित्रकला के क्षेत्र में, ये लो चित्रकला, ये बेसिकली वास्तुकला के क्षेत्र में खासकर भवन निर्माण, भवन या विभिन्न प्रकार की इमारतों के निर्माण के लिए दिया जाता है। 2023 में यह पुरस्कार डेविड चेपरफील्ड को दिया गया था। इस पुरस्कार की स्थापना 1979 में की गई थी।
45वां प्रिजर पुरस्कार समारोह मई 2023 में एथेंस ग्रीस में आयोजित किया जाएगा। सही है बेटा, सिर्फ यही गलत है। थोड़ा तेज चलेंगे भाई, तेज चलेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने नए निजी विश्वविद्यालय को स्थापित करने का, कितने नए विश्वविद्यालय, इनके तो मैं नाम भी पूछूंगा तुम लोगों से। अब मेरा जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से चारों के नाम बता दो, चाहे बिजनौर वाला हो, चाहे शाहजहांपुर वाला हो, चाहे लखनऊ वाला हो, जल्दी से बताओ सबके नाम, सबके नाम बता दो, है ना, सबके नाम, चाहे आगरा का हो, चाहे बिजनौर का हो, बिजनौर का, आगरा का, बिजनौर का, लखनऊ का और शाहजहांपुर का, शाहजहांपुर का, शाहजहांपुर का। अच्छा ऐसे बता दो, टीएस मिश्रा विश्वविद्यालय कहां पर बनाया जाएगा? ये तो कंफर्म है कि चार ही होंगे, चार होंगे ना, बिजनौर, ठीक है ना। आज एमटीएस का पेपर है, बस बेटा अभी तुम लोगों को पढ़ा के सीधे सेंटर पे ही निकलने वाला हूँ, है ना। आज वहीं पर जाऊंगा, बच्चों से बातचीत करूंगा, मुझे भी पेपर देना है। एमटीअस का तो नहीं, क्योंकि अधेड़ टाइप की उम्र हो गई, एमटीएस तो नहीं दे सकता, कोई और पेपर देना होगा तो तुम लोगों से सीखने का मौका मिलेगा, है ना। हाँ चलें, भूल गए क्या हो गया अविरल, हैं, ये मुझे याद है बेटा, मैंने कराया था, मैंने कराया था। सबसे तेज एकल शॉट लेजर कैमरा, है ना, सबसे तेज कैमरे में तो लगातार क्रांति ही आ रही है कैमरे में, है ना। आज आप जाओ और फ्रंट कैमरा मेरा 48 MB, क्या बोलते हैं, मेगा पिक्सल है। आप 48 लेके आओ, अगले ही दिन 108 मेगा पिक्सल लॉन्च हो जाता है। उसके बाद 108 लेकर आए तो पता चला कि इसमें तो 15 कैमरा लगे हुए हैं, पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, भला हो चीनियों का। जर्मनी व यूएसए ने एकल शॉट लेजर कैमरा, मतलब कि लेजर के माध्यम से कैमरे का और उच्च गुणवत्ता का, है ना, उच्च गुणवत्ता का। वरुण अर्जुन कहां पर है, फारूक हुसैन कहां पर, विवेक टीएस मिश्रा, विवेक कहां पर, बहुत बढ़िया निशु बेटा, बहुत बढ़िया, अच्छा हुआ। हाँ हाँ सही है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बिजनौर में विवेक है, ओके। आगरा में, बिल्कुल सही बात है, आगरा मुगलों के साथ, याद रख के देखिएगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने द्विपक्षीय व्यापार को अगले 5 वर्ष में कितने अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, कितने अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। मैं नहीं बताऊंगा 100 अरब डॉलर, जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से बताएं। जर्मनी और यूएसए ने मिलकर बनाया है इसको, ठीक है ना, जर्मनी और यूएसए। दो सवाल, ये एक और, इसके बाद एक और, 25, ठीक है ना, जल्दी से बताएंगे बच्चों, जल्दी से बताएंगे। सामान्य तौर पर अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया बेसिकली आपको दिखाई देगा कि कृषि के उन्नत उपकरणों का प्रयोग करता है, उपकरणों का प्रयोग करता है। पहले हमारी इनके साथ अच्छी दोस्ती नहीं थी, लेकिन क्वाड के बन जाने के बाद अब भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत ये एक दूसरे के साथ मिलकर सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं, जिसके माध्यम से अगले 5 वर्षों के लिए 100 अरब डॉलर का, अमेरिकी डॉलर है या ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, हैं, अमेरिकी डॉलर, समझौते पर हस्ताक्षर किया है, समझौते पर हस्ताक्षर किया है, याद रखिएगा। अगला अंतिम सवाल आज के लिए बच्चों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर का चुनाव करना है। व्यास सम्मान 2022 के लिए प्रख्यात लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के उपन्यास पागल खाना के लिए चुना गया था। व्यास सम्मान को प्रतिष्ठित भारत भारती संस्थान के द्वारा, ये तो जेके बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है ना, शायद जेके बिड़ला फाउंडेशन देता है ना इस पुरस्कार को, फाउंडेशन देता है इस पुरस्कार को, जेके बिड़ला फाउंडेशन। भारत भारती सम्मान तो कौन सा सम्मान देती है, हाँ चलें भाई, चलें इस सवाल का जल्दी से बताओ भाई। केवल मेरा सही हुआ, यही तो प्रॉब्लम है, केवल मैं सही, अरे नहीं ऐसे मत सोचा करिए, चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर। हाँ चलें,
बस थैंक यू। कौन सा पेपर देखा बेटा, हमें बताओ। सर बहुत अजीब सा पेपर आ रहा है, हमें भी समझाओ कौन सा पेपर है। अजीब गरीब क्वेश्चन है ना। हाँ 2018 में कांस्टेबल का पेपर देने वाले विद्यार्थियों से पूछना, वो भी ऐसे ही पूछ रहे थे ये कौन सा पेपर बना दिया। यूपी कांस्टेबल का पेपर 2018 वाला कोई दिया हो तो प्लीज बेटा जल्दी से बताना, है ना, जल्दी से बताना यूपी कांस्टेबल का जिसने पेपर दिया हो, अगर दिया हो तो, खासकर जीएस वाला है ना, जिसने दिया हो वो बताना। चलिए आज के लिए इतना ही साथियों, आज के लिए इतना ही। हाँ इच्छाधारी ठीक ठीक, आप नमस्ते ना ही क्या करो बेटा, मेरी तरफ से आशीर्वाद आपको वैसे ही मिल रहा है, ठीक है ना, वैसे ही मिल रहा है आपको, बेफिक्र रहिए, आप ना भी करें तब भी ठीक है। चलें, ऑल द बेस्ट है आप सबको, पढ़ते रहिए बेटा, पढ़ते रहें ठीक है ना। हाँ रानीपुर बिल्कुल सही बात है, इतनी देर तक जहां से बाघों की आवाज आई। हाँ अभी पेपर शुरू ही नहीं हुआ, अरे नहीं पुराना पूछ रहा था वो। चलो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच, कल बात करते हैं आप लोगों से, कल एमटीएस के पेपर के बारे में भी चर्चा करूंगा, करंट अफेयर किस तरह का पूछा गया था ठीक है ना। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच बच्चों।